आज रामनवमी का दिन है, एक बहुत शुभ अवसर है। रामनवमी क्या है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम युद्ध भूमि में उतरे तो उन्होंने सामने देखा तो शक्ति माता की पूरी शक्ति रावण की तरफ थी। भगवान राम मायूस हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मायूस होकर उन्होंने 8-9 दिनों की तपस्या की। उन्होंने अन्न छोड़ा, व्रत रखा और 9 दिनों के लिए उन्होंने माता की उपासना आराधना की, ये समझने के लिए कि माँ शक्ति उनको क्यों दे रही है और ये शक्ति मेरे पास क्यों नहीं है, मैं आराधना करूंगा ताकि माँ की शक्ति मेरे पास आए। तो 9 दिनों के लिए भगवान राम ने तपस्या की, व्रत रखा, माँ की आराधना की। उन्होंने 108 नील कमल माँ के चरणों में डाले। जब 108वें कमल को डाल, नील कमल को डालने का मौका आया 9वें दिन पर, तो माता ने उनकी परीक्षा ली। वो 108वां जो कमल था उसको उन्होंने छुपा लिया। अब भगवान राम को मिल नहीं रहा था, संकट में आ गए, दुख हुआ, लेकिन उनके अंदर एक और शक्ति थी, श्रद्धा की शक्ति थी। तो उन्होंने, उनको याद आया इस शक्ति के द्वारा कि बचपन में उनकी माता उनको राजीव मोचन कहलाती थी, मतलब कमल जैसी आंखों वाले। तो जब ये बात भगवान राम को याद आई तो भगवान राम ने एक छड़ा निकाला और अपनी आंख को निकालने की का प्रयास करने जा रहे थे कि मैं माँ के लिए, माँ के चरणों में, मेरे पास नील कमल नहीं है, मैं अपनी आंख रखूंगा। जैसे ही माँ ने उनकी ये श्रद्धा देखी तो माँ का दिल भी पिघल गया और माँ ने उनको रोका और कहा मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तो ये जो रामनवमी का जो अवसर है, हम उस तपस्या की याद में हम इसको मनाते हैं। भगवान राम को हम क्यों पूछते हैं? रावण रथी विरथ रघुवीरा, इसका मतलब है रथ रावण के पास था, भगवान राम के पास नहीं था। सत्ता रावण के पास थी, भगवान राम के पास नहीं थी। सोने के महल में रावण रहते थे, भगवान राम वनवास में थे। सत्य के लिए लड़े और क्योंकि सत्य के लिए लड़े, सच्ची श्रद्धा के साथ लड़े, क्योंकि परोपकार था उनमें, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता को सर्वोपरि रखा, जनता की सेवा करी, इसीलिए आज भी हम भगवान राम को पूछते हैं। इस देश के सत्ता को कभी नहीं पूजा है, इस देश ने हमेशा सत्य को पूजा है।